आज डिस्कस करेंगे प्रेशर पार्ट्स और नॉन प्रेशर पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले है प्रेशर पार्ट्स। प्रेशर पार्ट में क्या होता है? बॉयलर ड्रम, इकोनोमाइजर ट्यूब, सुपर हीटर ट्यूब, इवोपरेटर ट्यूब, वाटर वॉल ट्यूब्स, डाउन कमर पाइप्स, राइजर ट्यूब्स, फीड वाटर पाइपिंग, स्टीम पाइपिंग, शुड ब्लोइंग स्टीम पाइपिंग, स्प्रे वाटर पाइपिंग, बेड कॉइल ट्यूब्स इन एबीसी बॉयलर। वेंट पाइपिंग, इंपल्स पाइपिंग, बैंक ट्यूब्स, ये होता है बाई ड्रम एंड मड ड्रम के बीच। एचपी डोजिंग पाइपिंग, सैचुरेटेड लिंक, सैचुरेटेड लिंक और ब्लो डाउन पाइपिंग। ये जो लिस्ट है ये बॉयलर प्रेशर पार्ट्स लिस्ट है। अब नॉन प्रेशर पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉयलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मतलब बॉयलर जिसे बंधा हुआ है या फिर सपोर्ट में है, ठीक है। डक्टिंग, डक्टिंग का मतलब है कि बॉयलर की जो जो फ्लू गैस पाथ पाथ में जो बॉक्स है उसकी दो हिस्सों को वो कनेक्ट करके रखता है। हॉफर,
लो प्रेशर पाइपिंग केशिंग डैम्पर। डैम्पर क्या होता है? डैम्पर एक डोर होता है जो एयर फ्लू गैस के रास्ते में लगा होता है, जिसको ऊपर ओपन या क्लोज करते हैं तो फ्लू गैस पास होता है। क्या रिफ्रैक्टरी कॉन्स्टेबल? कॉन्स्टेबल का सीमेंट का जो काम हुआ रहता है, सीमेंट का होता है। इंसुलेशन 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 मतलब क्या होता है कि जो बॉयलर की जो हीट को बाहर आने से रोकता है ना। क्लैडिंग, क्लैडिंग क्या होता है? ये 24SWG मतलब कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जो AI या फिर GI या सीट होती है, इसमें जो है वो इसे इंसुलेशन जो मटेरियल के जो प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं ये। हैंड रेलिंग, ये जो हैंड रेलिंग जो बॉयलर के चारों तरफ सेफ्टी के लिए लगाते हैं, पाइप से बना होता है। स्टेयर केस, ये स्टेयर केस बॉयलर के में चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है। नॉन IVR पाइपिंग, तो ये लिस्ट जो है वो नॉन प्रेशर पार्ट्स की है।